हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 4 और सेशन का नाम है टेबल्स एंड प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। एक्चुअली में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे या इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट में टेबल्स को इंसर्ट किया जाता है और किस तरह से किसी डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग होती है या उसको किस तरह से प्रिंट किया जाता है, जैसे कि फोटोकॉपी। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है उसका नाम है वर्किंग विथ टेबल्स, यानी किस तरह से हम लोग काम करते हैं टेबल्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टेबल होता क्या है। टेबल की डिफिनेशन दी गई है, ए टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज। जो टेबल होता है वो एक टेक्स्ट कॉलम और रोज की एक अरेंजमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने अपना मार्कशीट एंड ढेर सारे ऐसे चीज़ देखेंगे जहाँ पर टेबल्स का यूज होता है। जो टेबल होता है बेसिकली वो टेक्स्ट की क्या होता है, अरेंजमेंट होता है जिसमें रोज और कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टेबल, ओके। इसके बाद से अगर हमें इंसर्ट करना है किसी भी डॉक्यूमेंट में टेबल्स को तो किस तरह से करेंगे। टॉपिक है टू इंसर्ट अ टेबल यूजिंग टेबल बटन। हम किस तरह से टेबल बटन का यूज करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जो सबसे पहला स्टेप होगा आपका वो होगा प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ टेबल। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल समझते हैं आपका ये डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि आप अपने टेबल को कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपका टेबल सेंटर में रहे तो आपको सेंटर में चूज करना पड़ेगा या अपने कर्सर को सेंटर में लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी जो स्टेप है वो है क्लिक द एरो ऑफ द टेबल बटन। इसके बाद से टेबल बटन का एक आइकन आता है या एक ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड बार में जो रहता है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक टेबल फॉर्म होके आता है और नीचे 6x6 यहां पर लिखा है। यहां पर अगर 2x2 का आपका टेबल चाहिए तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह से आप क्या करोगे, इसमें माउस के जो राइट बटन होता है उसको क्लिक करोगे और सीधे स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, जितना चाहिए आपको यहां से क्लिक कर सकते हो, जितने की रेंज में आपको टेबल चाहिए। इसके बाद से क्या करना है, थर्ड में व्हेन द डिस्प्लेड ग्रिड रिप्रेजेंट द डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रिलीज द माउस बटन। जब जितना आपको नीड है, जितने कॉलम्स के जितने रो की आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद से क्या करना है, आपको अपने माउस के बटन को छोड़ देना है और इस तरह से जो टेबल है वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू इंसर्ट अ टेबल यूजिंग द इंसर्ट मेन्यू। हम लोगों ने अभी तक स्टैंडर्ड मेनू से उस टेबल को इंसर्ट किया था, लेकिन इस बार हम लोग इंसर्ट मेनू के थ्रू टेबल को इंसर्ट करेंगे किसी डॉक्यूमेंट में। जो सबसे पहला जो स्टेप है आपको करना पड़ेगा, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ा है, जहाँ पर आपको टेबल चाहिए वहाँ पर अपना कर्सर लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, क्लिक द टेबल आइकन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार और सेलेक्ट द टेबल कमांड फ्रॉम इंसर्ट। आप दो जगह से चूज कर सकते हो, या स्टैंडर्ड बार से या इंसर्ट मेनू से। तो बेसिकली हम लोग इंसर्ट मेनू को परफॉर्म कर रहे हैं इस समय, तो इंसर्ट मेनू सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो इंसर्ट मेनू ना सेलेक्ट करें तो आप डायरेक्टली जो शॉर्टकट है वो आप प्रेस कर सकते हो, Ctrl+F12। तो डायरेक्टली आपका इस आपके सामने एक इस तरह का यूजर इंटरफेस सामने आ जाएगा। इंसर्ट पे आपने क्लिक किया, सीधे आ गए आप टेबल पे। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हो तो इस तरह की एक यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहला है टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम देना चाहते हो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज करके दे सकते हो। दूसरी जो चीज़ है साइज, कितनी साइज की आपके कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, आपको चूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपने नीड के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है हेडिंग, अगर आप हेडिंग वगैरह अप्लाई करना चाहते हो या बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी यहां से आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मूविंग
इन अ टेबल, यानी पहले से टेबल आपका बना बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ, टेबल बना बनाया है, तो मैं चाहता हूँ ये जो बीच वाली लाइन है ये हट जाए, तो किस तरह से हम लोग इसको मूव करेंगे, या मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है या इसको हम बोल सकते जो कॉलम है इसको मैं खिसका कर इस सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो ये किस तरह होगा। तो सबसे पहले जो भी आपको मूव करना है तो उसमें क्या है, आपके जो माउस से क्या करना पड़ेगा, आपको उस सेल में जाना पड़ेगा, आपका कर्सर उस सेल में रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो सेल है वो राइट में मूव करे, आप राइट में ले जाना चाहते हो, ठीक है, तो प्रेस टैब, टैब बटन प्रेस करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका जो सेल है वो लेफ्ट में जाए तो आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका जो सेल है वो ऊपर की तरह जाए तो प्रेस अप एरो, यानी जो एरो बनी रहती है कीबोर्ड में उसको प्रेस करना होता है। लास्ट है मूव डाउन वन एरो, अगर आपका जो रो है ठीक है नीचे आप लाना चाहते हो तो प्रेस डाउन एरो। इस तरह का एरो कीबोर्ड में बना रहता है और उसके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हो और अपने रो और कॉलम्स को इधर उधर मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हाउ टू इंटर टेक्स्ट इन अ टेबल, किस तरह से हम किसी टेक्स्ट को टेबल में इंसर्ट करेंगे, तो जान लेते हैं। टू इंटर टेक्स्ट इन अ टेबल आइदर सेलेक्ट ए सेल और प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द सेल, जहां पे आप इंसर्ट करना चाहते हो टेक्स्ट को वहां पे आप सेलेक्ट करोगे। जब पहले जो कॉलम है या इसको बोल सकते हैं पहला जो टेबल है उसमें अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम इस वाले में सेलेक्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देन स्टार्ट टाइपिंग दिस कैन बी फॉर्मेटेड एज नॉर्मल टेक्स्ट, आप डायरेक्टली वहां पे अपना कर्सर ला के लिखना शुरू कर सकते हैं। इंसर्टिंग ए रोज, किस तरह से किसी रो को आप इंसर्ट करेंगे, पहला है स्टेप प्लेस द कर्सर इन द रो यू वांट टू बी एडजॉइन टू द न्यू रो, जहां पर आप नया रो इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर अपना कर्सर लाओगे। दूसरा स्टेप है टेबल में जाएंगे आप, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और वहां से रोज क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप है इन द इंसर्ट रोज डायलॉग स्पेसिफाई नंबर ऑफ रोज टू बी इंसर्ट एंड पोजीशंस, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए या कितने नंबर ऑफ आपके मतलब हिसाब से जितना भी चाहिए आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हो, टेबल पे गए इंसर्ट में गए कितना रो चाहिए आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। बिफोर यानी नंबर ऑफ रोज, वन चाहिए टू चाहिए यहां से आप इंसर्ट कर सकते हो, या जो पोजीशन है उसके पहले चाहते हो, जो अगला रो है उससे पहले चाहते हो या उसके बाद में चाहते हो इंसर्ट होना, तो यहां से आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इंसर्टिंग कॉलम्स, अब बात आती है कॉलम्स की, तो जिस तरह से हम लोगों ने रो को इंसर्ट किया था सेम उसी तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोग कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जहां पर हम लोगों ने पढ़ा है जहां पर आप इंसर्ट करना चाहते हो सबसे पहले कर्सर आप वहां पर ले जाइए, ठीक है, और उसके बाद से क्या है टेबल में जाइए, इंसर्ट में जाइए, कॉलम में जाइए, ठीक है, इस तरह से जाकर वहां इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, किस तरह से डिलीट करेंगे, तो जहां पर डिलीट करना है वहां पर आप अपना कर्सर ले जाएंगे, टेबल में जाएंगे, डिलीट रहेगा रोज और कॉलम्स, यानी आप रो को करना चाहते हो या कॉलम्स को करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स, किस तरह से किसी सेल्स को, सेल्स क्या कहलाता है बना देता हूं मैं, बता देता हूं सेल्स किसे कहते हैं, जो यहां पर जो एरिया है ठीक है ये सेल्स है, ओके, अगर आप इसको चाहते हो इन दोनों सेल को बीच में ऐड करना, ये बीच वाली पट्टी हट जाए, लाइन हट जाए, ठीक है, अगर चाहते हो ये हट जाए तो उसको बोलते हैं मर्जिंग, यानी दोनों को मर्ज करना। स्प्लिटिंग सेल का मतलब होता है कि अलग करना, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ से ये अलग हो जाए और यहाँ से क्या हो जाए अलग हो जाए, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग सेल्स, ठीक है। तो अगर आपको मर्ज सेल करना है तो सबसे पहले आप टेबल मेन्यू में जाएंगे और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर कर्सर लेके जाना पड़ेगा जहां पर आप इंसर्ट करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, ओके। इसके बाद से अगर आपको स्प्लिट करना है किसी सेल को तो टेबल में जाएंगे और यहाँ पे स्प्लिट पे आएंगे
आपको जहां से स्प्लिट करना है, मतलब डिवाइड करना है उस टेबल को, वहां से आप डिवाइड कर सकते हो। फॉर्मेटिंग टेबल्स एंड ऑटो फॉर्मेट, किस तरह से टेबल की फॉर्मेटिंग होती है या ऑटो फॉर्मेट किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेबल की फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसे कि टेबल की बॉर्डर को चेंज करना, टेबल के बॉर्डर को चेंज करना, शेडिंग देना, या उसके कंटेंट है उसके सेल को चेंज करना, या यहाँ पर जो हेडर है इस पर कुछ कलर देना चाहते हो, या जो आपका टेक्स्ट है इसके अंदर उसको कलर चेंज करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं फॉर्मेटिंग टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टेबल लेआउट। किस तरह से टेबल के जो लेआउट होती है, लेआउट का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, टेबल है और इसकी जो लेआउट मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन है जो दिख रहा है आपको सामने से, ठीक है, इसकी बॉर्डर, इसकी कलर, इसके सेल्स, सेल्स में जो टेक्स्ट हैं उसके कलर्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं फॉर्मेटिंग टेबल लेआउट्स में। तो सबसे पहले अगर आपको चेंज करना है तो आप टेबल में जाओगे मेन्यू में, और नीचे आओगे आप टेबल प्रॉपर्टीज़ में। अब जब टेबल प्रॉपर्टीज़ में आते हो तो यहाँ से आप ढेर सारे चीज़ें आपके सामने दिखेंगी। जब टेबल प्रॉपर्टीज़ में आप आते हो या टेबल फॉर्मेट में आ जाओगे तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की ऑप्शंस फीचर्स हैं। जैसे कि आप बॉर्डर क्या कर सकते हो, बॉर्डर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, या बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉर्मेटिंग इंडिविजुअल सेल्स कॉन्टेंट, अगर आप चाहते हो किसी पार्टिकुलर सेल्स की जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करना या चेंज करना तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेल्स के जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले सेलेक्ट करके आप टेबल में जाएंगे, टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे और वहां से फॉन्ट में जाकर चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है ऑटो फॉर्मेटिंग अ टेबल, यानी ऑटोमेटिकली किस तरह से फॉर्मेट होता है। अगर ऑटो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, टेबल में जाएंगे आप, इसके बाद से ऑटो फॉर्मेट में जाएंगे और इस तरह का ऑटो फॉर्मेट का यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शन है, जैसे डिफॉल्ट है, 3D है, ब्लू, ब्राउन, मतलब जिस कलर का आपका टेबल चाहिए उस कलर का आप यहाँ पर चूज करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल है ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। प्रिंटिंग एंड गेटिंग हेल्प, किस तरह से प्रिंटिंग होता है और किस तरह से हेल्प हम लोग अगर पाएंगे, किसी ऑप्शंस के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो किस तरह से हेल्प पाएंगे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर में। तो प्रिंटिंग का मतलब अपने हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट के बारे में सुना होगा, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअली में प्रिंटिंग होता क्या है, इफ़ यू ओनली हैव वन प्रिंटर एंड इट इज़ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू गो एंड यू जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट अ सिंगल कॉपी ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट, जस्ट प्रेस प्रिंट फाइल डायरेक्टरी बटन। अगर आप किसी आपका डॉक्यूमेंट है आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, सबसे पहले कहाँ जाओगे, फाइल में जाओगे, मतलब डिफरेंट तरह के रास्ते हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को, या स्टैंडर्ड बार में आप प्रिंट फाइल डायरेक्टरी पर जाओगे तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ दिया है फाइल में दिया, फाइल के बाद आ जाओगे प्रिंट में, तो इस तरह का यूजर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यानी जो प्रिंटर का नाम है वो यहाँ से चूज करोगे, जो स्टेटस है वो बताएगा रेडी है कि नहीं, और कितने पेजेस आपको प्रिंट चाहिए, 1, 2, 3, मतलब यहाँ पर नंबर दे सकते हो, नंबर ऑफ कॉपीज है, कितने पेजेस हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। अब प्रिंट करना आप लोग जान गए, अब जानते हैं प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंट करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखना है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है जब मैं प्रिंट करूँगा तो किस तरह से दिखेगा, उसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, जो कि प्रिंट करने से यानी फोटोकॉपी करने से पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग फोटोकॉपी कर रहे हैं तो जो वो टेक्स्ट है यानी जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है कहीं बाहर तो नहीं आएगा या स्पेस से बाहर तो नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं पेज प्रीव्यू या प्रिंट प्रीव्यू। तो का मतलब इस तरह के दिखती है, छोटे में दिखेगी आपको बता, इसमें थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि हाँ जो मेरा टेक्स्ट है वो कहाँ कहाँ से और जो मेरा पैराग्राफ है किस तरह से दिख रहा है। गेटिंग हेल्प इन राइटर, अगर आपको हेल्प चाहिए किसी ऑप्शन के बारे में तो आप डायरेक्टली कहाँ पर जा सकते हो, आप सेलेक्ट openoffice.org हेल्प ड्रॉप डाउन मेन्यू टू हेल्प टॉपिक्स, यानी आप उसमें सर्च कर सकते हो हेल्प पाने के लिए, या तो आप डायरेक्टली जा सकते हो openoffice.org हेल्प कॉन्टेंट विंडो टू ऑप्शन हेल्प, या ऑनलाइन भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो आप। Pointing to get outline,
किस तरह से आउटलाइन अगर आप चाहते हो किस तरह से मिलेगा आपको, यू कैन ऑब्टेन गेट हेल्प बाय पॉइंटिंग विद योर माउस टू आइटम ऑन द स्क्रीन, फॉर दिस प्रेस शिफ्ट प्लस F1, योर माउस पॉइंटर विल बिकम अ जॉइंट क्वेश्चन मार्क विद एन एरो, यूजिंग योर माउस पॉइंट टू द आइटम्स एंड इंसर्ट एंड क्लिक। यानी इससे क्या है, जिस चीज़ पे आप अपना माउस के पॉइंटर को लाओगे उस पे क्या करेगा उसके बारे में वो बताएगा। प्रिंटिंग ब्रोचर्स, इफ़ यू नीड टू प्रिंट अ बुकलेट और ब्रोचर्स, मतलब कि अगर आपको बुकलेट वगैरह प्रिंट करना तो किस तरह से करोगे, तो सेम ही बात है लेकिन इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि आप फाइल में जाओगे, प्रिंट मेन्यू में जाओगे, उसके बाद से पेज लेआउट वगैरह, जो बुकलेट होता है दूसरे तरह का होता है, ठीक है, और जो फोटोकॉपी होती है या फोर सीट पे होती है, लेकिन जो बुकलेट होता है उसकी साइज अलग होती है। तो इसमें पेज लेआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको जो पेज है वो कितने किस तरह रहेगा। तो इसमें एक ब्रोचर्स नाम से एक आता है ऑप्शंस, फाइल में जाएंगे प्रिंट में जाएंगे, अगर यहाँ पर ब्रोचर्स क्या करेंगे चूज कर लेंगे, और यहाँ पर बैक साइड लेफ्ट पेजेस मतलब जिस तरह का आपको चाहिए चूज करें आप प्रिंट कर सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ से। प्रिंटिंग इनवलप एंड लेबल्स, अगर आपको लिफाफा वगैरह प्रिंट करना है, लिफाफा को ऊपर प्रिंट करना है तो किस तरह से करोगे, सेम ही चीज़ है लेकिन यहाँ पर साइज वगैरह चूज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लिफाफे वगैरह होते हैं इनवलप होता है काफ़ी छोटा होता है, और जो A4 साइज की जो पेपर वगैरह होती है या बुक्स वगैरह होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो इसमें जो मेन जो पार्ट है या जो मेन चीज़ होता है वो है कि आप किस तरह से अपने साइज को मैनेज करते हो या किस तरह से अपने साइज को रखते हो प्रिंट आउट करने से पहले। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाओगे, इनवलप पे जाओगे, यानी अगर आपको इनवलप मतलब लिफाफा ही प्रिंट करना है तो एक ऑप्शन दिया गया रहता है जिसमें आप इंसर्ट मेन्यू पे जाओगे और इनवलप पे जाओगे, और जैसे ही जाओगे तो इस तरह का इनवलप डायलॉग आपके सामने आ जाएगा। अब इनवलप पे आ जाएगा तो आप एड्रेस डाल दोगे कि हाँ कौन सा एड्रेस है पड़ेगा उस लिफाफे के ऊपर, और जो सेंडर है उसका नाम डाल दोगे। अगर आपके पास डेटाबेस वगैरह है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस पर एड्रेस रहे और जो सेंडर है उसका नाम दिखे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख कर क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, और इसके बाद से आप फॉर्मेट टाइप पर क्लिक करके, फॉर्मेट टाइप पर अगर क्लिक करेंगे इंसर्ट कर सकते हो, या फॉर्मेट टाइप पर अगर हम क्लिक करेंगे दूसरे वाले पर तो यहाँ पर इसकी पोजिशन आ गई कि इसकी जो एड्रेस है वो आप कहाँ पर रखना चाहते हो, कि कोने में रखना चाहते हो, जैसे कि ये लिफाफा आ गया, ठीक है, तो आप एड्रेस यहाँ पर रखना चाहते हो, जो सेंडर है वो यहाँ पर रखना चाहते हो, मतलब इस तरह के पोजीशन आपको चूज करना पड़ेगा फॉर्मेट में। अगर हम बात करें प्रिंटर टाइप में, तो प्रिंटर टाइप में है कि आप किस तरह से प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट फ्रॉम टॉप ऊपर से प्रिंट करना चाहते हो, या प्रिंट फ्रॉम बॉटम या नीचे से प्रिंट करना चाहते हो। इसके बाद से जो आपका नेम वगैरह है प्रिंटर का वो चूज करोगे, आप ओके पे क्लिक कर दोगे, आपका जो पेज है पूरी तरह अच्छी तरह से सेटअप हो जाएगा और इसके बाद से आपका प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू PDF, किस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आपने क्रिएट कर लिया ओपन ऑफिस में, मीन्स आपने ढेर सारे मैटर आप इसमें लिख लिया, ठीक है, आप इसको चाहते हो ये DOC फाइल में रहता है लेकिन आप चाहते हो इसको PDF में करना, तो किस तरह से करोगे। PDF में करना है तो आप सबसे पहले जाओगे फाइल में और एक ऑप्शन रहता है एक्सपोर्ट एज PDF, जैसे ही आप एक्सपोर्ट एज PDF ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो इस तरह का आपका एक डायलॉग आ जाएगा, यानी इसमें पूछेगा कि कितने पेज की आपको ज़रूरत है PDF बनाने में, या आप किस किस पेज को PDF बनाना चाहते हो। ऑल करेंगे पूरा हो जाएगा पेज, यानी कितने पेज, तो नंबर्स में डाल देंगे पेज को, ठीक है, और उसके बाद से एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे जो हमारा PDF है वो नाम वगैरह मांगेगा, यानी जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो नाम मांगेगा कौन सा नाम देना चाहते हो। अगर नाम दोगे उसके बाद से नाम देकर सेव बटन पर आप क्लिक कर दोगे, जैसे ही सेव बटन पर आप क्लिक करते हो जो आपकी डॉक्यूमेंट होगी वो आपके लोकेशन पर एज अ PDF वह सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो चैप्टर है समाप्त हुआ, अब बारी आती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज के। अगर हम बात करें इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तो यहाँ से स्टार्ट होती है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इस चैप्टर के जो सोल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, जिसके आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोटबुक बना सकते हो, कोई आंसर्स लिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।